Why do we need a change? Why do we need a change in the education system? Since thousands of years, education has been a part of our system. Previously in Vedic Yuga, there were Gurukuls. In the modern history, there was a time in 1832, I guess. Lord Macaulay introduced an education policy. Last time, in 1988, the government introduced a new policy. And in the recent times, 4 years ago in 2020, National Education Policy has been introduced. Why these changes? These changes are because we are evolving. We are growing up. We are learning from our mistakes. Today, in this seminar, we are going to learn what are the changes that are being provided by the new education policy related to the education. Now, mostly this seminar is related to major classes like 9th onwards up to 12th, mainly board classes. But all of you being a part of this, it's a procedure, you know, when a child admits in the school, since beginning from KG nursery, if he has been taught in such a way that he can do good in his academics, that is the responsibility of all the teachers. It's not only about the PGTs or the TGTs. Let me start this thing. Why do we need a change? In 2017-18, there was a survey which was conducted. And the survey results are as shown here. This is the performance of CBSE class 10 students. The result of mathematics is 52%, science 51%, and so on. These results matter a lot. What is the drawback in our education system because of which such kind of percentage is appearing here on the screen? क्या हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? हमसे कहाँ गलती हो रही है ये समझने की जरूरत है. ये डेटा जब निकाला गया तो उसमें एक कंक्लूजन निकला जो मैंने नीचे लिखा है. देयर इज अ लार्ज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट. यानी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है. तो वो क्या किए जाने की जरूरत है, इसके लिए सीबीएसई ने एक सर्वे कंडक्ट किया. इस सर्वे का हिस्सा कौन थे? सर्वे कंडक्ट किया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, और इसका हिस्सा वो लोग थे जो या तो टीचर्स थे या स्कूल के हेड्स थे या फिर स्टूडेंट थे. और उन्हीं से सजेशन मांगे गए कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. ये जो परफॉर्मेंस था इतना बुरा था, इसके लिए कुछ न कुछ करने की जरूरत थी. हमारी सरकार ने 2020 में बहुत सारे जो सजेशंस आए उसके आधार पर ही एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की. यहाँ पे आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट पीसा. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्वे कंडक्ट करती है 15 साल के बच्चों के बारे में, और वो ये जानती है कि उनकी लर्निंग कैपेसिटीज कैसी हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, या फिर कोई लिटरेचर सब्जेक्ट्स हो. 2009 में जब इस सर्वे में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया तो हमारी जो रैंकिंग थी वो 73rd थी 74 में से. तो हमारे एजुकेशन का स्तर अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम आंकने की कोशिश करें तो वर्स था. यानी कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. 2020 में जब पॉलिसी बनाई गई तो उसके अंदर ये जो टॉपिक था असेसमेंट और इवेल्युएशन, इसको काफी वेटेज दिया गया. और जो सारे तमाम तरीके के सजेशंस मांगे गए थे लोगों से, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे स्कूल हेड्स हों, चाहे स्टूडेंट्स, उसके आधार पे कुछ कंक्लूजन निकाला गया. वो कंक्लूजन ये था, देयर इज अ नीड ऑफ एक्सपोजिंग द स्टूडेंट्स टू डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ क्वेश्चन इन ईयर एंडिंग बोर्ड एग्जाम्स सो दैट अ लार्ज रेंज ऑफ लर्निंग आउटकम्स कैन बी असेस्ड. इनका ये कहना था कि बच्चों को जिस तरीके का पेपर आप ईयर एंड एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में दे रहे हैं वो इतना आसान है या फिर इतना मुश्किल है कि वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आपको बेसिकली स्किल डेवलपमेंट या कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है. इसी कारण से क्वेश्चन पेपर में चेंजेस करने की जरूरत है जिससे बच्चा जो लर्निंग करता है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना सीख सके. दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, सीबीई, जो नया कंसेप्ट लॉन्च हुआ. फिर था असेस
of learning must be augmented with assessment as learning and assessment for learning. यहाँ पे कहा गया कि हमारी जो टीचिंग्स चल रही है अभी वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की है, जबकि उसके साथ साथ हमको असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग को भी ऑगमेंट करने की जरूरत है, मिलाने की जरूरत है. तो असेसमेंट ऑफ